हेलो वेलकम टू दी माय चैनल बायोकेम और अवर एम कि मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ उसमें दो सब्जेक्ट शामिल हैं इसलिए मैंने इस तरीके से आपको चैनल का नाम प्रोवाइड किया है बायोकेम एंड अवर एम तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो फ्रेंड्स आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और तो प्लीज कर लीजिए जल्दी से जल्दी क्योंकि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन और मिलने वाले हैं इसमें है ना इसीलिए मैं अपने सेशन को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ कि मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता तो ये फ्रेंड्स जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी क्षेत्र जो हैं स्वास्थ्य योग संगीत ये सभी है इनका हम परीक्षण जो है इनका परीक्षण हम अंकों के द्वारा नहीं कर सकते इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ये सभी ओके गाइस चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा पुष्प के जो परागकण होते हैं इट मींस कि जो पराग को के अंदर परागकण होते हैं वो स्पोर्स होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है तो फ्रेंड्स उस ऑप्शन है चार तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप डायरेक्ट आंसर आंसर बता देती आपको इसका आंसर है द्रव नाइट्रोजन उन्हें सुरक्षित रखने के लिए द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है प्लीज गाइज आठे इसे नोट कीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर हमें सोचना है विचार करना है क्या ये सही है या गलत है तो ये यदि साइंस वाले बच्चे हैं, तो आसानी से समझ जाएंगे कि वे फल जो अंडासे में होते हैं, फल जाता है। या वे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें अनिशेक जनित अनिशेक जनित फल कहते हैं और थर्ड ऑप्शन है इसमें कि अनिशेक जनित फल बीज रहित होते हैं तो हमारा क्या आंसर इसमें सही हो जाएगा तो इसमें बच्चों इसमें जो आंसर हो जाएगा कि बिना निषेचन के विकसित होते हैं ये भी सही है और जो फल ओवरी में होते हैं ओवन तो वो भी सही है है ना तो इसीलिए इसका आंसर है और जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि सही है इसलिए थोड़ी सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि जो अनिषेक जनन होता है इट मींस कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो फल बनते हैं उनमें बीज नहीं बनते हैं इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते हैं उन्हें कृत्रिम रूप से कराया जाता है और अधिक मात्रा में यदि उपयोग अधिक मात्रा में यदि बनाना है तो इस तरीके से बनाया जाता है ठीक है आगे हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉल्स फ्रूट्स है फॉल्स फ्रूट का मतलब ये हो जाएगा कि फॉल जो ट्रू फल नहीं है ट्रू फल क्या होते हैं जो कि डायरेक्ट ओवरी से विकसित होते हैं और जो ओवरी से विकसित नहीं होते हैं तो उसका आंसर क्या होगा कि जो कहना चाहिए कि जो ओवरी से विकसित नहीं होते डायरेक्ट ही उनका विकास हो जाता है तो आपका आ जाएगा सेब और केला ये जो फल होते हैं ये जो होते हैं ऑप्शन नंबर बी है ना सॉरी ऑप्शन नंबर बी में स्ट्रॉबेरी ये जो होते हैं डायरेक्ट विकसित होते हैं इसीलिए है। है तो है। केवल वन नहीं हो सकता इसलिए वहां ने लिया टू और थ्री है ना इसका आंसर ये होगा चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन सा जो भाग है वो फ्लावर का मेल पार्ट कहलाता है तो इसको मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करती इसका आंसर बताती हूँ पुंके पुंकेशर सॉरी पुमंग इसे पुंकेसर भी कहते हैं इसे स्टेमन भी कहते हैं ठीक है ठीके? ये इसका आंसर है और इसका मेल पार्ट कहलाता है अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो वर्ड्स होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें निषेचित अंडे का जो बाहर का कवर होता है वो किस पदार्थ का बना होता है तो फ्रेंड्स वो जो ऑप्शन है बी नंबर का क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है आपने देखा होगा कि चूने को जब हम पोतते हैं तो थोड़ी सी पपड़ी के समान संरचना बन जाती है स्ट्रक्चर तो ऐसा ही इसमें भी होता है कि जो ये जो होते हैं वर्ड्स या सर रेप्टाइल्स इनका जो बाहर एक्स के बाहरी आवरण जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जीव हैं निम्नलिखित में से कौन से जीव हैं जिनमें बाहर निषेचन होता है मतलब कि शरीर के अंदर नहीं होता है शरीर के बाहर होता है तो इसका ऑप्शन अधिकतर जो जलीय जीव होते हैं उनमें बाहर निषेचन पाया जाता है है ना जो जलीय जीव होते हैं उनमें बाहर निषेचन पाया जाता है तो इसमें स्नेक को छोड़कर करके जो सहवाल है एलगा है फिश और फ्रॉग है इसमें ये तीनों में कैसा पाया जाता है निषेचन कहना चाहिए सेकंड नंबर का ऑप्शन आप है आपका वन टू और फोर इनमें निषेचन पाया जाता है जलीय जीव होते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में फिर हमें स्टेटमेंट आया है कि हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है और सोचना है कि क्या ये सही है तो पुष्पी पादपों में एक लिंगी मतलब मोनुष्य प्लांट जो होते हैं नर पुष्प पुंकेसर, धारण किए होते हैं और वाला है आपका नारियल का वृक्ष उभय पादपों का उदाहरण है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो इसका ऑप्शन है बच्चों की फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है नारियल का वृक्ष उभय लिंगाश्रय का उदाहरण माना जाता है है ना ये भी सही है और दूसरा जो ऑप्शन आप है आपका कि पहला जो ऑप्शन है कि एकलिंगी पुष्प में मेल फ्लावर जो होते हैं वो एकलिंगी पुष्प में पुंकेसर इट मींस की पराक्रम को धारण किए हुए होते हैं इसीलिए ये इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका सी वन और टू सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा ओके अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुछ जीवों में कुछ जीवों में जैसे मधुमक्खी और छिपकलियों में बिना निषेचन के अर्थात नर युग्मक के युग्मक के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर लेता है और इसे विकसित इस प्रकार विकसित जो होता है उसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं मैंने अभी-अभी समझाई थी इसे कहा जाता है अनिषेक जनन पार्थिनो जेनेसिस हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ठीक है थीके? हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिर हमें ये दोबारा से रिपीट हो गया है सॉरी जब एक ही पादप में मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो क्या कहते हैं मोनोसियस कहते हैं कहते हैं इट मीनस की मोनोसियस एकलिंगी द्विलिंगी एकलिंगी या द्विलिंगी दोनों या उपरोक्त सभी तो क्या कहा जाता है इसमें इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि जब एक ही पुष्प में दोनों आन, दोनों पाए जाते हैं एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों ही पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है एकलिंगाश्री जैसे कि अब इसका ऑप्शन है अभी अभी हमने पढ़ा है है ना तो इसमें जो होता है कि एकलिंगी मोनोसियस नाम मोनोसियस है लेकिन उसमें दोनों ही अंग पाए जाते हैं ठीक है जब द्विलिंगी होगा तो दोनों अलग अलग पुष्प में पाए जाएंगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो कौन सा गलत है तो इसमें से आपको पढ़ना है और इसमें से छांटना है तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन ना करते हुए डायरेक्ट आंसर की ओर ले चलती हूँ कि लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव से अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है है ना ये सही है और इसके बाद में लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होती अपने जनकों के अथवा आपस में समरूप नहीं होती ये भी सही है तो इसमें से गलत कौन सा है ये विधि अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत जटिल विधि है ये सही है तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले बिन जीवों द्वारा नर तथा मादा गैमेट युग्मकों का निर्माण शामिल है इसमें गलत ऑप्शन है क्योंकि ये दोनों सही हैं कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन बहुत ही जटिल और धीमी प्रक्रिया इट मीन्स राइट ठीक है आगे हम चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पे हमें फिर से विचार करना विचार करना है एक को से जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती और एक के की जीव द्विविखंडन के द्वारा नए जीव पैदा करते हैं तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ क्योंकि ये जीव अमर कहे है जाते हैं और इसका आंसर है सी वन और टू दोनों ही इसके आंसर सही है ठीक है तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पतन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है और जो कि अंत स्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा सुरक्षित तो उसका आंसर है विशाखापट्टनम इसमें जो आयरन होते हैं उसका आ, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है ठीक है वहां पे अगला क्वेश्चन हम चलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है तो यहाँ पे आप लोग साइंस वाले बच्चे हैं और यदि साइंस वाले नहीं भी हैं तो सभी को मालूम होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र हैं तो पहले माना जाता था कि बृहस्पति के सबसे ज्यादा है लेकिन अभी रिसेंटली जो सर्च किया गया उसमें यह है कि शनि शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह माने जाते हैं चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है तो इसका ऑप्शन है इंफ्रा इंफ्रा रेड वेब्स इट मीन्स की अवरक्त तरंग का उपयोग जैसे चमगादड़ आउल वगैरह करते हैं ओके अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किसने उद्भुत उद्भुत हुई थी तो इसका आंसर है फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना उद्भुत हुई थी चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट में ऑप्शन आपको बताती हूँ कि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है उसे एक विस्फोटक की तरह उपयोग में किया जाता है कहीं विस्फोटक का मतलब कि यूज करना है आ, मतलब कि कुछ अच्छे कामों के लिए तब वहाँ पे होता है चलिए अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संबंध में एक हमें व्यवहार जैव किससे प्राप्त किया जाता है तो आलू से नहीं होगा राइस से नहीं होगा गेहूं से नहीं होगा इसका आंसर होगा सुगर से प्राप्त किया जाता है ठीक है अब अगला क्वेश्चन है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है तो इसका आंसर है आप लोग देखते हैं वो पतली पतली बिल्कुल मतलब कि बहुत ही पतली थिन लेयर होती है तो वो प्राप्त किया जाता है से यदि आपने फ्लावर में देखा होगा तो बीच में एक बहुत ही स्ट्रक्चर पाया जाता है अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि कैम्फोर चिकोरी एंड वेनिला ये जो है क्या पादप उत्पाद है हाँ ये पादप उत्पाद है ये यदि प्लांट से ही सब कुछ तीनों प्राप्त किए जाते हैं तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का की बायो सेफ्टी का है, लिम में से कौन करता है। तो यहाँ पे जैव सुरक्षा बायो शब्द आ गया है ये कीवर्ड है इसे ही ध्यान में रखते हुए आप आंसर लगा दीजिएगा डायरेक्ट कुछ मत सोचिएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसका ऑप्शन है तो फ्रेंड्स यदि आपने मुझे लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बायो कैम और आवर एम को, क्योंकि हमारा जो एम एम है, वो हम नहीं जानते कि मेरा एम क्या है और आपका एम क्या है सबका अलग अलग होता है तो हे फ्रेंड्स थैंक्स टू वाचिंग मी एंड प्लीज, प्लीज 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 सब्सक्राइब अस एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन बटन को दबाएंगे तो आपको मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे थैंक्स अगेन